बल्तिस्तान रीजन के मरूफ तालीमी इदारे शफकत पब्लिक स्कूल में सालाना ऐलान नताइज और तकसीम इनामात की तकरीब हुई। तकरीब में तलबा व तालिबात समेत असातिज़ा इकराम, अमायदीन इलाका और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हनीफ ने कहा कि शफकत पब्लिक स्कूल एक सामाजिक इदारा है, यहाँ नादार तलबा को मुफ्त तालीमी सहूलियात फराहम की जाती हैं। अब तक इस इदारे से मुतअद्दिद तलबा फारिग होकर अमली ज़िंदगी में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। समाजी शख्सियात के तावन से चलने वाले इस स्कूल के कयाम का मकसद कारोबार नहीं बल्कि समाजी खिदमत है। बल्तिस्तान के नामवर शायर, खत्तात, मुसव्विर जनाब अखो मोहम्मद हुसैन हकीम साहब हैं, जिन्होंने सन 2001 में हुज्जतुल इस्लाम शेख मोहम्मद हसन जाफरी के दस्त मुबारक से मोहम्मद हुसैन हकीम की सरबराही में जनाब सुबदार हुसैन और रिटायर्ड थानेदार फिदा हुसैन की सरबराही में इस इदारे की बुनियाद रखी गई। ये इदारा सन 2013 में शफकत एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड हुआ। इस मौके पर मैं इस इदारे के बानी जनाब चेयरमैन शफकत पब्लिक स्कूल का तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि इस नफसा नफसी के दौर में भी सन 2013 में इन्होंने इस इदारे को, जो इनके अपने नाम पर मौजूद था, शफकत एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम करके इस जदीद दौर में और इस नफसा नफसी के इस दौर में इस असासे को शफकत एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड करना, यकीनन ये जज्बा किसी पहाड़ को फतह करने से कम नहीं। एडिशनल कमिश्नर बल्तिस्तान अब्बास अली ने कहा कि शफकत पब्लिक स्कूल की तालीमी खिदमात लायक तहसीन है। बेसहारा, यतीम और मुस्तहिक तलबा को मियारी तालीम और तरबियत की फराहमी मुश्किल ज़रूर है, मगर जज्बा जमा हो तो नामुमकिन नहीं है। शफकत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसानी ज़िंदगी के मयारात का दारोमदार किरदार पर मुनहसर है और जहाँ किरदार की बुलंदी हो वहाँ दुनिया पस्त हो जाती है। किरदार बोलना चाहिए, जैसे कि हसन सत्तार साहब की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, दिगर शख्सियात की जो है ना तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, ये बोल इनकी किरदार बोलता है, इनके काम हमें ये बताता है कि इन्होंने कुछ करके दिखाया, दुनिया को दिखाया, और इसीलिए आज इनके नाम यहाँ पर रोशन है और हम इनको खराज तहसीन पेश करने के हम मतलब मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी किरदार ऐसी थी, इन्होंने अपने किरदार को, अपने आप को इस तरह डाला कि पूरी दुनिया इनकी तारीफ करने पर मजबूर है। सीनियर सहाफ़ी कासिम नसीम ने कहा कि शफकत पब्लिक स्कूल बल्तिस्तान के तालीमी माहौल में एक खुशगवार इजाफा है। और जिन तलबा व तालिबात ने अपने पूरे साल में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्होंने अलामती तौर पर यहाँ उन्होंने इनामात, शील्ड्स और सर्टिफिकेट वसूल किए। अगरचे ये जो उनका अमली इनाम है, बहुत उनका अमली ज़िंदगी जब शुरू होगी, जो कुछ उन्होंने इस मयारी तालीमी इदारे में सीखा है, वो अपने कुंबे और अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जब मैदान अमल में उतरेंगे, सही नाम तो उनका वहाँ से सिलसिला शुरू होगा। बानी शफकत वेलफेयर ट्रस्ट अखुन मोहम्मद हकीम ने कहा कि इदारा हाजा कुल्ली तौर पर मुखय्यर और दर्दमंद शख्सियात के माली ताउन से चल रहा है और अगले साल से इंशाल्लाह इन्हीं लोगों के ताउन से बीएस की क्लासें भी शुरू कर रहे हैं। 2001 से 2022 तक के इस दरमियानी अरसे में इस इदारे के लिए लाखों हजारों बरादरान ईमानी ने, अहले खैर हजरात ने हर किस्म के तआवुन मदद की है। उनके नाम लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। तकरीब के आखिर में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। रात छाई हर दर्द के दारे टूटे, सुबह फूटी हर जख्म के टांगे टूटे, दोपहर आई हर अंग ने लहू बरसा, दिन दला खौफ का अफियत मुकाबला आया, सदराली वकार जब वतन की बेटियां सरे बाजार बिकने लगे और दाढ़ी जात का निशान बन जाए, जब हर जगह लाशें ही
लाशें नजर आए। हुक्मरान अपने रिदा बचाने की खातिर उन्हें मुस्लिम का सौदा कर ले। वजीर आजम इसकी साथी मुलाजिम, काबीना इसकी करीब, ब्यूरोक्रेसी इसकी खात्मा, अदलिया इसकी हकरूबा, आईन इसकी हाथ की घड़ी और कानून इसकी हाथ की छड़ी बन जाए। जब वालदैन अपने बच्चे को फकत दस हजार में बेच दे तो सदा अली पुकार, मैं क्यों ना कहूँ मुझे तनकीद का है।